बंधुओं, आज का अपना मुहावरा है बहती गंगा में हाथ धोना। इसका अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि अवसर मिलने पर हम लाभ उठाने से हिचकते नहीं, फटाफट लाभ ले लेना चाहते हैं। इस भीड़ भाड़ में ज्यादा नहीं तो थोड़े से ही कुछ हाथ लग जाए तो वही बहुत है। शायद इसी भाव को व्यक्त करने के लिए मुहावरा बना होगा, बहती गंगा में हाथ धोना। इसके भावों को हम वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। पहला वाक्य, आज के इस भ्रष्ट समाज में हर कोई बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। इस वाक्य से यही भाव प्रकट हो रहा है कि आज का समाज भ्रष्ट हो चुका है। धन संपत्ति के लिए किसी भी स्तर तक लोग गिर जाते हैं। उनके दिमाग में यही भरा रहता है कि जब सब घूस लेते हैं तो मैं क्यों न लूं? इस अवसर का लाभ मैं क्यों न उठाऊं? एक दूसरे को देखकर यह और भी फैलता जा रहा है। दूसरे वाक्य में देखिए, मेरी बात मानो ललित, अपने आदर्शवादी चरित्र से बाहर निकलो और आज के इस बहती गंगा में हाथ धो लो, वरना बाद में पछताओगे। इस वाक्य में से यही भाव ध्वनित हो रहा है कि आज के समाज में आदर्शवादी लोग समाज में उपहास के पात्र हैं। आज जहां हर व्यक्ति स्वार्थ में आकंठ डूबा हुआ है, वहां आदर्शवादियों का जीना हराम हो जाता है। यदि वह सच्चाई की राह पर चलते हैं तो लोग चलने नहीं देते, जबरदस्ती उन्हें बुरे मार्ग पर धकेलना चाहते हैं। तीसरे वाक्य में देखिए, देखो मधु, धोने के लिए तो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो सकता हूं, पर इसका अंत बहुत बुरा होता है, इसलिए जितना हो सके इससे बच के रहो। इस वाक्य में सच्चाई है, इसमें अच्छे बुरे की झलक है। जो लोग समझदार हैं वे आज के इस भ्रष्ट समाज में भी अपने आप को बचा के रखते हैं। उन्हें हर कार्य का अंजाम पता होता है। कुछ लोग तात्कालिक स्वार्थ में अंधे होकर गलत काम कर लेते हैं और बाद में परिणाम मिलने पर पछताते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परिणाम को पहले ही सोच लेते हैं, इसलिए गलत काम कभी करते ही नहीं है। ऐसे लोग ही जीवन भर सुखी रहते हैं। चौथे वाक्य में देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना सबको नहीं आता हरि बाबू, उसमें तो हमारे जैसे समझदार लोग ही हाथ धो सकते हैं। इस वाक्य में से एक अलग ही भाव झलक रहा है। कुछ लोग एक आध बार गलत काम करके बच जाते हैं तो वे अपने आप को ज्यादा होशियार या समझदार समझने लगते हैं। वे दूसरों को समझाने लगते हैं कि मौके का फायदा हर कोई नहीं उठा सकता, उसका फायदा तो हमारे जैसे होशियार लोग ही उठा पाते हैं और बेदाग बच जाते हैं, पर यह सोच गलत है। पांचवें वाक्य में देखिए, नेताजी, इस बार आप भी बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, क्योंकि पूरे देश में आपकी पार्टी का लहर है। इस वाक्य से यह भाव प्रकट हो रहा है कि सामान्य व्यक्ति भी कभी कभी सफलता पा लेता है, वह भी मौके का फायदा उठा लेता है। देश में ऐसा कई बार देखा गया है कि जिस पार्टी की देश में लहर रहती है, उस पार्टी का सामान्य नेता भी यदि चुनाव लड़ता है तो वह चुनाव जीत जाता है। इसी को कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। तो मित्रों,
हमने देखा कि उपरोक्त वाक्यों में से अलग अलग भाव व्यक्त हुए हैं। इसी तरह हम मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कर ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी कर सकते हैं। एक नए मुहावरे के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।